Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 31st lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from COMSATS Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our 31st lecture, our second last lecture. Okay. As usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. So in the last lecture, we talked about rings. We also talked about various properties of rings, and then we also gave a definition of an integral domain and a subring. Okay, so subring portion we haven't quite completed yet, but the other two we gave enough detail. So what is a ring? Just for your knowledge, definition again. Okay, so what is a ring? Ring R is a set which has two binary operations on it. Okay, so it's a set, and unlike the case of groups where we just had one binary operation, on a ring we have two binary operations. Okay, so ring ek set hai jiske upar aapke paas do binary operation ho. Ek ko hum addition keh rahe hain, dusre ko multiplication keh rahe hain. Okay, jaise aapke paas baki sare sets jo numbers ke aapko pata hai unke andar addition aur multiplication ek se zyada binary operations hote hain. ओके, सो रिंग जो है वो एक सेट है जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड हैं. एक को हम एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं, दूसरे को मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं. ओके, ये एक सेट है जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें. ये एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, मतलब जो एक बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का लेट्स से, उसके अंडर ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए. इसमें सारी की सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और ये कम्यूटेटिव ग्रुप भी होना चाहिए, बिलियन ग्रुप होना चाहिए. ओके, सेकंड में हम ये कह रहे हैं कि अब एक जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमने सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देखी वो सब अज्यूम कर लिए हैं कि वो सब इसमें होनी चाहिए. अब दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम क्या करें? दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम कह रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबल आप अज्यूम करें और फिर उसको लेके स्टार्ट करें और देखेंगे अगर इंक्रीज करते जाएं तो फिर क्या होगा कंडीशंस को. तो स्टार्ट में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आर को जो है आर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए. ऑफकोर्स ये तो फंडामेंटल कंडीशन है, इसके बगैर तो डॉट का कोई पर्पज नहीं होगा. तो मतलब ये कि आर को क्लोज होना चाहिए अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, विच मेक सेंस कि डॉट अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो सेट आर उसके अंडर क्लोज होगा, उसके एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आर में से तो रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा. ओके, और फिर एक कंडीशन सिर्फ हम अज्यूम करें कि आर के जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव हों, मतलब उसमें ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन अलाउड होना चाहिए. यहाँ एसोसिएटिव का आपको पता है मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये मतलब है. ठीक है, और इसके ऊपर राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करने चाहिए. अब मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड नंबर टू पे जो कंडीशंस लिखी हुई हैं इनको हम कहते हैं कि अगर ये दो कंडीशंस ट्रू हों तो हम कहते हैं कि आर एक सेमी ग्रुप है. ओके, आर एक सेमी ग्रुप है, तो आर एक रिंग होगा अगर उसके ऊपर एक सेट है आर, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं और आर एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन. आर अंडर मल्टीप्लीकेशन एक सेमी ग्रुप बनाता है और उसके ऊपर राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं. ओके, सो ये आपके पास होगी डेफिनेशन एक रिंग के. ओके, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी रिंग्स की और उसमें मैट्रिसेस की एग्जांपल देखी, नंबर सेट्स देखे और इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखी हमने रिंग्स की. ओके, फिर हमने कहा कुछ रिंग्स कम्यूटेटिव होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. ओके, कम्यूटेटिव अब अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन तो वो तो कम्यूटेटिव है ही ऑलरेडी एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन. अब जो भी एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ही अप्लाई करेंगे, राइट? तो अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर रिंग के एलिमेंट्स कम्यूटेटिव हों तो हम उसको कहेंगे ये कम्यूटेटिव रिंग है, अदरवाइज एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग है. ओके, फिर हमने कहा कि अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो तो उसको हम कहेंगे रिंग विद यूनिटी. ओके, अगर आपके रिंग के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मौजूद हो तो हम उस रिंग को कहेंगे कि दिस इज अ रिंग विद यूनिटी. ओके, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को यूनिटी कहेंगे. ओके, सो अगर रिंग के अंदर
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद हो तो हम उस रिंग को कहेंगे कि दिस इज अ रिंग विद यूनिटी. फिर हमने कहा कि इन जनरल हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारी रिंग्स के अंदर यूनिटी मौजूद है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी उनके अंदर मौजूद है. तो अभी इसके बाद जितनी भी हमने रिंग्स की फिर बात की थी उसके हमने कहा था कि इसमें रिंग विद यूनिटी या इसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है. ओके सो इसका क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिया कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी उसमें जरूर आएगी. ओके सो फिर हमने कहा कि इंटीग्रल डोमेन क्या होती है. इंटीग्रल डोमेन की हमने बात की तो उसमें हमने कहा कि एक सेट को हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे या एक रिंग को हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे अगर वो रिंग कम्यूटेटिव हो, उसमें आइडेंटिटी भी हो और उसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर्स ना हो. अब जीरो डिवाइजर्स का क्या मतलब है? जीरो डिवाइजर्स का ये मतलब है कि इन जनरल आपको पता है कि अगर आप दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर भी नॉन जीरो आएगा. तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो उनमें से एक नंबर कम से कम जरूर जीरो होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोडक्ट जीरो नहीं होता. लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर अगर किसी सेट में किसी रिंग में दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो हो जाए लेकिन वो दोनों एलिमेंट खुद जीरो ना हो, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो हो जाए लेकिन वो दोनों एलिमेंट खुद जीरो ना हो तो हम कहेंगे कि वो दोनों एलिमेंट अब जीरो डिवाइजर्स है. ओके फिर हमने एग्जांपल्स देखी कि ऐसे सेट मौजूद हैं जिनमें जीरो डिवाइजर्स होते हैं, जैसे मेट्रिसेस के सेट में अब दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें दोनों नॉन जीरो होंगे लेकिन आपके पास आंसर जीरो आ सकता है. इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी. फिर आप जेड एन की बात की, जेड एन में आप ऐसे एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं कि दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स खुद जीरो नहीं होंगे. ओके सो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट्स हैं उनमें जीरो डिवाइजर्स पॉसिबल हैं. तो हम कहेंगे कि इंटीग्रल डोमेन वो सेट्स हैं, वो रिंग्स हैं जिनके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं है और वो कॉमुटेटिव भी होनी चाहिए. ओके सो इंटीग्रल डोमेन एक ऐसी रिंग है जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स ना हो, वो रिंग कॉमुटेटिव हो और उसके अंदर वो रिंग विद यूनिटी भी हो. लेकिन रिंग विद यूनिटी हम अपनी सारी रिंग्स को कह रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए ये कोई नई कंडीशन नहीं होगी फिर. ओके फिर हमने कहा कि यूनिट क्या होता है. यूनिटी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी रिंग की. यूनिट क्या है? यूनिट हम रिंग के ऐसे एलिमेंट को कहेंगे जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ओके अगर आपके पास एक एलिमेंट ए हो रिंग आर का तो हम कहेंगे ए एक यूनिट है आर में अगर ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ओके ए एक यूनिट है रिंग आर का अगर ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ऑफ कोर्स रिंग के ऊपर हमने ये कंडीशन नहीं लगाई हुई कि उसके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो कुछ एलिमेंट्स यूनिट्स होंगे कुछ एलिमेंट्स यूनिट्स नहीं होंगे. एक रिंग जिसमें आइडेंटिटी मौजूद है, यूनिटी मौजूद है, उसी के अंदर हम यूनिट्स की बात कर सकते हैं. अगर आइडेंटिटी नहीं होगी तो फिर यूनिट की डेफिनेशन ही नहीं होगी. ओके सो रिंग विद यूनिटी में बात हो रही है ये सारी. तो रिंग विद यूनिटी में एक एलिमेंट है वो यूनिट होगा अगर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ओके तो अब एक रिंग में कम अज कम एक यूनिट तो जरूर होगा उसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, राइट. सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी खुद अपना इनवर्स होती है तो वो हमेशा एक यूनिट होगा, राइट. तो ये हमने कुछ बातें की थी लास्ट टाइम और उनका होपफुली आपको दोबारा एक दफा हमने रिवाइज कर लिया है तो होपफुली आपको अगर कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर हो गई होगी, राइट. इसके बाद हमने फिर रिंग्स के मजीद कॉन्सेप्ट्स की बात करनी स्टार्ट की और उसमें हमने सबसे पहले बात स्टार्ट की सब रिंग की. ओके सब रिंग की डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दी थी लेकिन उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हमने नहीं की थी. तो सब रिंग की हमने बात करना स्टार्ट की. अब सब रिंग क्या है इसको हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, राइट. तो सब रिंग क्या था हमारे पास? अगर इफ आर इज अ रिंग एंड एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है. अब आप R को कह सकते हैं R इज अ रिंग
अंडर प्लस एंड डॉट ऑफ कोर्स, ठीक है, ताकि आपके पास कन्फ्यूजन ना हो कि आर एक सेट है, इसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन भी मौजूद हैं, सिर्फ एक सेट नहीं है. ओके, सो एस से एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, तो हम कहेंगे कि एस इज कॉल्ड अ सब रिंग ऑफ आर. एस को हम सब रिंग कहेंगे आर की अगर क्या हो, ये आपको लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन बताई थी. इफ एस इज इट्सेल्फ अ रिंग अंडर प्लस एंड डॉट, ठीक है, तो आर एक रिंग है, उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेना आपने, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट खुद भी सब रिंग बन जाए, खुद भी एक रिंग बन जाए, तो हम कहेंगे ये सब रिंग है, सबसेट है और रिंग है तो सब रिंग है. ओके, तो ये डेफिनेशन वही है जो ग्रुप्स के केस में थी, सिर्फ फर्क यह है कि यहां पे बाइनरी ऑपरेशन दो हैं, राइट. इसी डेफिनेशन को फिर हमने कहा था कि इसी डेफिनेशन को मैं मैथमेटिकली भी लिख सकता हूं. मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, इसकी एक कंडीशन मैं ये दे सकता हूं कि एस इज अ सब रिंग इफ, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हों. हमारे पास क्या कंडीशन ट्रू हों, अगर R S एक सब रिंग है R की, तो S खुद एक सब रिंग है, राइट, तो S को बेसिकली स्टार्ट में एक सब ग्रुप होना चाहिए, बिलियन सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन. तो सब ग्रुप के लिए आपको पता है कि क्या कंडीशन है, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम ये कहेंगे कि S1 माइनस S2 इज इन S फॉर ऑल S1 S2 इन S, ठीक है. तो ये आपके पास पहली कंडीशन है. ये कंडीशन क्या प्रूव करेगी कि S एक सब ग्रुप है अंडर एडिशन, एक अबिलियन सब ग्रुप है अंडर एडिशन ऑफ R, राइट. अब सेकंड में हमने ये चेक करना है कि S जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन, तो उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि S1 टाइम्स S2 इज इन S फॉर ऑल S1 S2 इन S, ठीक है. कोई से दो एलिमेंट्स लें आप S में से, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट भी इसी सेट में आना चाहिए अगर S क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन ये प्रूव कर देती है कि S एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन. सेकंड कंडीशन ये प्रूव कर देती है कि S जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन. थर्ड कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है R की, तो वन जो है वो S में भी मौजूद होना चाहिए. ओके, सो अगर R के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तो S के अंदर भी होनी चाहिए, वो उसकी सब रिंग है तो वो भी सब रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, और वही आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, तो उसी में से सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी में से आना चाहिए. तो एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, वही आइडेंटिटी एलिमेंट S में मौजूद होना चाहिए अगर S एक सब रिंग है, राइट. तो अब ये आपके पास डेफिनेशन आ गई सब रिंग की, तो आपने मतलब ये तीन कंडीशंस अगर चेक कर लेंगे किसी भी सबसेट के लिए, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ R के लिए, अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हम कहेंगे वो सबसेट एक सब रिंग है. अब आप इसमें से ये क्वेश्चन कर सकते हैं शायद कि अब ये फर्स्ट कंडीशन जो है, ये हमने कंडीशन लास्ट टाइम हम जब देख रहे थे तो ये इसलिए कंडीशन थी कि अगर S एक सबसेट है एक ग्रुप R का, तो अगर ये कंडीशन हम चेक कर लेते हैं तो वो सब ग्रुप हो जाएगा, राइट. अब यहां पे हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं वो अबिलियन ग्रुप है, सिर्फ हम ये नहीं प्रूव करना चाह रहे कि वो जस्ट एक सब ग्रुप है, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो ये कि वो एक अबिलियन ग्रुप भी होना चाहिए. अब इससे अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, कंडीशंस कैसे मिलेगी हमें, वो इस तरह मिलेगी कि R एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, S के सारे एलिमेंट्स R में से आ रहे हैं, राइट. तो अगर R के सारे एलिमेंट्स कम्यूटेटिव हैं एक दूसरे के साथ, तो S के भी एलिमेंट्स उसी में से आ रहे हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ कम्यूटेटिव होंगे. तो ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है जो जो S इनहेरिट करेगा R से. ओके, इसी तरह सेकेंड कंडीशन आपको ये बताती है कि S जो है वो क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन. डायरेक्टली आपको ये नहीं बता रही कि S के एलिमेंट्स जो हैं एसोसिएटिव भी अंडर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन फिर सेम रीजन है
कि एस के सारे एलिमेंट्स आर में से आ रहे हैं, तो आर के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटिव हैं, तो एस ये प्रॉपर्टी आर में से इनहेरिट करेगा क्योंकि एस के सारे एलिमेंट्स आर में से आ रहे हैं. ओके, और फाइनल प्रॉपर्टी तो क्लियर है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आर के अंदर वो यूनिक आइडेंटिटी है. ओके, तो अगर आर एक रिंग है विद यूनिटी तो सब रिंग भी रिंग होगी विद यूनिटी, तो वही एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट आर के अंदर मौजूद है वही एलिमेंट एस के अंदर भी मौजूद होना चाहिए. ओके, सो ये तीन कंडीशन है हमारे पास सब रिंग की. अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. आप कोई रिंग लें, रिंग से स्टार्ट करें, लेट्स से जेड, ठीक है, रिंग है आपके पास जेड, इसकी कुछ सब रिंग्स हमने ढूंढनी है. ओके, सो इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस आई थिंक ये होती है कि आपको पता है कि जेड एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप है. हमने ग्रुप थ्योरी का कोर्स अभी फिनिश किया, ग्रुप थ्योरी का पार्ट अभी फिनिश किया, उसमें हमने जेड को एज अ ग्रुप लिया था, उसके सब ग्रुप्स फाइंड किए थे. तो आई थिंक इट्स अ नाइस प्रैक्टिस कि आप उन सब सब ग्रुप्स को लें और देखें कि उनमें से कौन से अब रिंग्स बनते हैं, सब रिंग्स बनते हैं. ओके, सो जैसे मैंने आपको वहां के पे कहा था कि अगर आप लें 2z एक सबसेट है सेट का, इवन इंटीजर्स आ रहे हैं इसमें सारे के सारे, पॉजिटिव नेगेटिव इवन इंटीजर्स, जीरो भी इसमें मौजूद है. ऑफकोर्स हमने ये प्रूव किया था कि 2z एक सब ग्रुप है z का. अगर z अबिलियन है, जो कि z अबिलियन है डेफिनेटली, तो 2z भी अबिलियन होगा. ओके, सो हमें ये क्लियरली पता है कि 2z इज एन अबिलियन, अबिलियन सब ग्रुप मैं कहूंगा ऑफ जेड, ठीक है, ये एक सबसेट है और ये खुद एक अबिलियन ग्रुप है, राइट. सो ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं. सेकेंड, हम फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन आपको पता है जेड में कैसे डिफाइंड है, तो अगर ये हमारा सेट 2z क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे लिए हम ये चेक कर लेंगे कि एस जो है वो एक सेमी ग्रुप है, एक सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो जेड में से इनहेरिट हो रही है. ओके, सो इसके अगर आप दो एलिमेंट्स लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो एक एलिमेंट लेट्स से 2x है इसमें से और एक एलिमेंट है 2y, दो एलिमेंट्स लिए, कोई से दो एलिमेंट है x और y, कोई सा आप इंटीजर ले सकते हैं, तो ये कोई फिक्स एलिमेंट्स नहीं है, कोई से दो एलिमेंट्स हैं 2z के अंदर, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास आंसर आ गया 4 times xy. ओके, अब 4 times xy को आप लिख सकते हैं 2 into 2 times xy, राइट. ओके, अब एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स के जेड के अंदर, राइट. यही इसी तरह सेट डिफाइन हो रहा है ना, कि इस सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं, 2 times लेट्स से एक्स, एक्स एक एलिमेंट है इंटीजर्स के सेट में से, एक्स भी एक इंटीजर का एलिमेंट है, वाई भी एक इंटीजर्स का एलिमेंट है, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट भी एक इंटीजर आएगा. ओके, क्योंकि इंटीजर्स एक रिंग है, तो अगर उस रिंग के दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा, अदरवाइज जेड फिर रिंग नहीं होगी. तो एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई किया, इंटीजर्स का एलिमेंट आया, फिर ये रिजल्ट जो भी है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी एक इंटीजर ही आएगा. इसको अगर आप एग्जांपल से देखना चाहें, तो अब लेट्स से मेरे पास है 2 into 4 into 5. ओके, अब 4 को 5 से आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20. अब 4 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर भी एक इंटीजर आएगा. फिर हमने इस इंटीजर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 40 आएगा, 40 अगेन एक इंटीजर है. ओके, सो इसका मतलब यह है कि ये ब्रैकेट में जो चीज मैंने लिखी हुई है ये एक इंटीजर है, एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, तो 2 times xy भी एक इंटीजर होगा. तो इसका मतलब है ये जो भी एलिमेंट है ये एक इंटीजर्स का एलिमेंट है. ओके, लेट्स से मैं लिखता हूं कि 2xy जो है ना वो जेड के इक्वल है, स्मॉल जेड. ओके, जेड इज 2xy, ठीक है. अब मेरे पास किस तरह का एलिमेंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 times इंटीजर्स का एक एलिमेंट,
इंटीजर्स का कोई सा एक एलिमेंट जेड में ले लूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी फॉर्म में आ रहा है, टू टाइम्स एन इंटीजर। तो इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 2x टाइम्स 2y जो है वो भी 2z के अंदर मौजूद है। यही हमने प्रूव करना था कि दो से कोई से दो एलिमेंट लें हम इस सेट S में से जो कि 2z है इस केस में, उन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी सेट में होना चाहिए, मतलब ये सेट अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड होना चाहिए। यही हमने प्रूव कर दिया कि इसके दो कोई से दो एलिमेंट्स लें आप, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि 2z इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, 2z इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। फिर हमने थर्ड में ये देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है z के अंदर, जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या वो 2z के अंदर मौजूद है। z जो है वो एक रिंग है विद यूनिटी, z एक रिंग है विद यूनिटी और इसकी यूनिटी क्या है, 1। क्या s एक सब रिंग है तो s के अंदर यूनिटी मौजूद है, राइट। सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन टू आस्क। ओके, सो 1 एलिमेंट है z में, क्या 1 2z में मौजूद है। ओके, अब ये बहुत आसान है चेक करना कि 1 जो है वो R के अंदर मौजूद है बट 1 इज नॉट इन 2z, इट्स नॉट इन S। अब 1 को 2 टाइम्स एन इंटीजर नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो अब दो आप यूं कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ कि दो मुश्किल वाली कंडीशंस तो ट्रू हो गई इस सेट के लिए, लेकिन एक कंडीशन जिसको शायद चेक करना सबसे आसान है वो कंडीशन हमारे लिए फेल हो गई है कि इंटीजर्स के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है लेकिन 2z के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि s इज नॉट अ सब रिंग ऑफ R। ओके, सो s इज नॉट अ सब रिंग, hence s is not a subring of R. Okay? अब हम एक और example देख लेते हैं ring की और उसकी sub rings find करने की कोशिश करते हैं। Let's say R है आपके पास ring of rational numbers. Okay? So Q और फिर plus और dot. यूजुअल एडिशन है, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है इसके ऊपर। अब Q ऑफ कोर्स एक रिंग है, आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Q आपके पास एक रिंग है, इसका कोई सबसेट फाइंड करें सबसे पहले और फिर हम उसको चेक कर सकते हैं क्या वो एक सबसेट सब रिंग है या नहीं। फिर यूजुअली जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया कि आप सब ग्रुप्स, इसके सब ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स देखें, इसके सब ग्रुप्स की एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम आगे ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो सब ग्रुप्स अब सब रिंग्स बनते हैं या नहीं। ओके, सो जैसे मैंने आपको होपफुली आई एम श्योर कि ये हमने एग्जाम्पल की है कि z जो है z प्लस डॉट, अब हम लेके देखते हैं s को, लेकिन हमने ये चेक किया हुआ कि z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ q अंडर एडिशन। ओके, सो ये हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी कि z जो है इंटीजर्स का जो ग्रुप है वो सब ग्रुप है रैशनल नंबर्स के ग्रुप का। तो इसलिए ये हम एक सब ग्रुप ले लिया और हम इसको चेक करेंगे क्या ये एक सब रिंग है या नहीं। ओके, q एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो z प्लस भी अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, राइट। सो ये आपको पता है, तो पहली कंडीशन ट्रू है कि z प्लस में, मतलब इसका ये है कि z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप, इज एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप, एडिटिव अबिलियन ग्रुप। ओके, राइट, और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मैंने ये चेक करना है कि दो इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं
कोई से दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट भी एक इंटीजर आना चाहिए. वेल, ये आपको पता है कि ट्रू है कि कोई से दो इंटीजर्स हैं एक्स, एक इंटीजर है वाई, एक इंटीजर है, देन आपको ये पता है कि एक्स टाइम्स वाई भी एक इंटीजर होगा. ओके, सो इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि एक्स अगर दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, राइट? सो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है चेक करने वाली. ये इंटीजर की एक फंडामेंटल कंडीशन है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि दो इंटीजर्स को आप जब भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर ही आएगा. तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू है कि ये सेट जो है इंटीजर्स का सेट एस, ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन. और फाइनली आपके पास क्यू के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वन है. सो वन आपके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है क्यू के अंदर. तो जेड के अंदर क्या वन मौजूद है? वेल ऑफकोर्स यही वन क्यू जेड के अंदर भी मौजूद है, राइट? सो एंड वन इन क्यू इज इन जेड. ओके, दोनों वन एक ही है, राइट? सो वन जो आपके पास क्यू के अंदर रैशनल नंबर्स के अंदर है वही वन इंटीजर्स के अंदर मौजूद है. तो ये जो सबसेट लिया हमने एस, ये एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप है, ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एस इज अ सब रिंग. सो इट इज अ सब रिंग ऑफ आर. ठीक है, तो आपके पास एक एग्जांपल लास्ट स्लाइड में हमने ये देखी, एक सबसेट लिया वो सब रिंग नहीं बना. फिर हमने अब यहां पे एक सेट दिया, सबसेट लिया जो खुद एक सब रिंग बन गया, राइट? सो हमें एक एग्जांपल मिल गई, रैशनल नंबर्स की एक सब रिंग मिल गई. ओके, सो ये काफी ट्रिवियल एग्जांपल थी. एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल करते हैं फिर हम आगे चलेंगे, राइट? सो आर हम ले लेते हैं, लेट्स से मैट्रिसेस का सेट 2x2 ले लेते हैं. जो भी 2x2 के लिए करूंगा वो n x n के लिए ट्रू है, राइट? सो 2x2 मैं इसलिए लेता हूं कि इसमें विजुलाइज करने को, चीजों को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा आसानी होती है. आपको 2x2 मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं आसानी से और इसमें आपको सारे एलिमेंट्स भी पता लग सकते हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है. इसलिए मैं हमेशा 2x2 मैट्रिसेस कंसिडर कर लेता हूं. तो आप 2x2 मैट्रिसेस ले लें, एंट्रीज आप कहीं से भी ले लें, लेट्स से इंटीजर्स के सेट में से ले लें. ओके, 2x2 मैट्रिसेस लिए, एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं. ओके, हमें ये पता है कि 2x2 मैट्रिसेस का जो सेट है ये एक रिंग बनाएगा. ओके, सो आर इज अ रिंग अंडर आर प्लस डॉट. एडिशन जो है मैट्रिक्स एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है. ओके, राइट. सो अब इंटीजर्स में से एंट्रीज आ रही हैं, सारी के सारी 2x2 मैट्रिसेस हैं, ये रिंग बनाएगा. इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको मैंने आर के लिए चेक करके बताया था कि 2x2 मैट्रिसेस का जो सेट है ये एक रिंग बनाएगा. ओके, अब इसका एक सबसेट लेना है आपने, इसका एक सबसेट लें और ये चेक करना है हमने कि क्या वो सबसेट सब रिंग बनाता है या नहीं. ओके, सो इसका मैं सबसेट ले लेता हूँ, लेट्स से एस इस तरह के मैट्रिसेस का सेट है, ए है, बी है, जीरो है और जीरो. ए और बी दोनों ऑफ कोर्स इंटीजर्स हैं, सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं. ओके, सो अब मैंने ये सेट लिया एस, ये डेफिनेटली सबसेट है आर का. इसमें 2x2 मैट्रिसेस हैं और सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस आर में मौजूद हैं. ओके, ए और बी दोनों इंटीजर हैं, जीरो भी एक इंटीजर है, सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं, इसलिए ये सबसेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये सबसेट सब रिंग है. अगर ये सबसेट सब रिंग है तो इसको ऑफ कोर्स एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, इसको क्लोज होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन, फिर इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए. इस साइड में कौन से एलिमेंट्स हैं आपको पता है, ये इन मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, ये मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस कहलाते हैं. तो मेन डायगोनल पे इनके ऊपर एंट्रीज नॉन जीरो हो सकती हैं और जो मेन डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हैं. ओके, सो इस तरह के मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं.
राइट सो आपने सेट एस लिया, उसमें सारे के सारे डायगनल मेट्रिसेस रखे, आर आपके पास 2x2 मेट्रिसेस का की रिंग है. हमने ये चेक करना है कि क्या ये सेट जो है ये सब रिंग है आर की या नहीं. ओके राइट सो फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या चेक करनी है. सो ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया कि एस एक सबसेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो एस के सारे एलिमेंट्स हैं वो आर के अंदर मौजूद है. ओके अब सबसे पहले ये प्रूव कर देते हैं हम कि ये एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप है या सब ग्रुप है आर का अंडर एडिशन. वेल ये हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है लेकिन हम इस कंडीशन से प्रूव कर देते हैं अभी. लेट्स से आपके पास टू एलिमेंट्स हैं, लेट्स से a100b1 और s2 एक एलिमेंट है a200b2. ओके इन दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं s1 - s2 करूं मेरे पास आएगा a1 - a2 0 0 b1 - b2. ठीक है तो ये आपके पास इन दोनों का को सब्ट्रैक्ट करने से आ गया. ओके अब a1 एक इंटीजर है, a2 भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर फिर एक इंटीजर आएगा. ओके इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है ये आपको पता है कि दो इंटीजर्स कोई से ले लें उनको सब्ट्रैक्ट करें आपके पास रिजल्ट फिर एक इंटीजर ही आएगा. ओके ये नहीं हो सकता कि दो दो इंटीजर्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर एक रैशनल नंबर आ गया. फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होगा कभी भी. तो आप दो इंटीजर्स जस्ट लेट्स से 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट किया आंसर -1 आ गया. राइट सो 5 - 6 आप करें 10 - 15 - 5 आंसर आ गया. ओके सो इसी तरह कोई से इंटीजर्स लें दो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें आपके पास रिजल्ट फिर एक इंटीजर आएगा. इसका मतलब है a1 - a2 एक इंटीजर है, b1 - b2 भी एक इंटीजर है. तो अब ये किस तरह का मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट एंट्री जो है वो इंटीजर है और लास्ट एंट्री भी एक इंटीजर है और बाकी दोनों एंट्री जीरो हैं. तो एस में कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, फर्स्ट एंट्री इंटीजर होनी चाहिए, लास्ट एंट्री इंटीजर होनी चाहिए, इसके अलावा बाकी एंट्री जीरो होनी चाहिए. तो इसका मतलब है ये s1 - s2 जो है s1 - s2 ये भी s के अंदर मौजूद है. ओके सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट s में ही आएगा. ओके अब इसका मतलब ये है कि s इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप. ओके इसके एस सबसेट है एक ग्रुप एडिटिव अबेलियन ग्रुप 2x2 मैट्रिसेस का. और ये इसको हमने ये कंडीशन प्रूव कर दिया, हमें पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक एडिटिव सब ग्रुप बन जाएगा, एडिटिव अबेलियन सब ग्रुप बन जाएगा और हैंस ये खुद एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप बन गया. ओके अब सेकेंड कंडीशन हमने ये चेक करनी है कि एस जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन. अगेन दो एलिमेंट्स मेरे पास s1 और s2 मौजूद है, उन दोनों को अब मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ. राइट इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें मेरे पास आ जाएगा a1 times a2, फिर नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 0, फिर 0 आ जाएगा और b1 times b2 आ जाएगा. ओके मैंने कोई से दो एलिमेंट्स लिए इस सेट में से, a1 और a2 कुछ भी हो सकते हैं, b1 b2 कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ये कोई से एलिमेंट्स है, ये फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है, ये कोई से एलिमेंट्स हैं. इनमें आप वैल्यूज चेंज करते रहे आप सब एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशंस ट्रू हैं जो हम चेक कर रहे हैं. ओके a1 और a2 दोनों इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा, फिर b1 और b2 दोनों इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा. सो फर्स्ट एंट्री जो है ये एक इंटीजर्स की एंट्री है, लास्ट एंट्री भी इंटीजर्स की एक एंट्री है. ओके तो इसका मतलब है डायगनल पे इंटीजर्स में से एंट्री आ रही हैं और जो डायगनल से हट के एंट्रीज हैं उन दोनों वो जीरो हैं. तो इसका मतलब है ये भी एस के अंदर मौजूद है. तो आप सब्ट्रैक्ट करें एलिमेंट्स को, वो भी एस के अंदर मौजूद है, एस एडिटिव अबेलियन ग्रुप है. और s1 times s2 कोई से दो एलिमेंट्स अगर एस में से लें उन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी सेट में मौजूद है. तो इसका मतलब यह है कि एस जो है वो क्लोज भी है अंडर मल्टीप्लीकेशन.
ओके एस इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन. वेरी गुड. सो हमने दो कंडीशंस प्रूव कर दी, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन राइट. ओके सो दो कंडीशन चेक कर दी, एक कंडीशन रह गई है. ओके उसको भी चेक कर लेते हैं हम. ओके अब हमारे पास लास्ट कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 2x2 मैट्रिक्स का वो एस के अंदर मौजूद होना चाहिए. तो आर आपको पता है कौन सा, 2x2 मैट्रिक्स का सेट है. ओके एंट्रीज इंटीजर्स में से ले रहे हैं और एस में हम इस तरह के एलिमेंट्स ले रहे हैं. ओके ए बी दोनों इंटीजर्स हैं ऑफकोर्स. ओके थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आर के अंदर वो एस के अंदर भी मौजूद होना चाहिए. ओके सो आर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आर का है 1100. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I2 आपके पास. ठीक है तो ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी और 2x2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाएगा. क्या ये मैट्रिक्स एस के अंदर मौजूद है? वेल ऑफ कोर्स ये मैट्रिक्स एस के अंदर मौजूद है. सो टेक ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1 इन एस. ओके सो इन दोनों एलिमेंट्स की एंट्रीज लेट्स से हम ये कह देते हैं S1, तो A1 1 होगा और B1 B1 होगा. तो ये एंट्रीज दोनों इंटीजर्स में से आ रही हैं ऑफ कोर्स, राइट. दोनों एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं. A1 1 होगा, 1 इंटीजर में है. B1 1 होगा, वो भी इंटीजर में है. तो ये एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लिख लें कि 1001 इज इन एस. ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आर का वो एस के अंदर भी मौजूद है. तो एस एक सब रिंग है, एस इज अ सब रिंग ऑफ आर. ठीक है ओके अब ये हमने ये प्रूव कर दिया, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड भी, थर्ड भी. तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि एस इज अ सब रिंग ऑफ आर. अब ये हमने शो कर दिया. अब एक और एग्जांपल इसी की लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो सब रिंग बनेगी या नहीं. ओके अब आर मैंने ले लिया मैट्रिक्स का सेट जिसमें सारे 2x2 मैट्रिक्स हैं, एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं. और एस मैं फिर लेता हूं अब ए इन आर सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज लेट्स से नॉट इक्वल टू 0. ओके अब ए एस में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है. ओके सो सारे के सारे वो मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है वो इस सेट एस के अंदर मौजूद है. ओके कोई सा भी नॉन जीरो डिटरमिनेंट, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है. आप अगर लें 100-2, इसका डिटरमिनेंट -2 है, तो ये भी इसमें मौजूद है. कोई सा एलिमेंट जिसका डिटरमिनेंट बस नॉन जीरो होना चाहिए वो इस सेट के अंदर मौजूद होगा. ओके तो मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि एस एक सब रिंग है आर की. ओके अगर मैं ये शो करना चाह रहा हूं तो ऑफ कोर्स इसको एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए. फिर इसके अंदर ये क्लोज्ड होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए आर का. अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये एडिटिव एबिलियन ग्रुप होगा. ओके इसके दो एलिमेंट्स अगर आप लें उनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या उनका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा? वेल इसको करने के बजाय हम बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं कि एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप नहीं है. ओके अब आसानी से हम कैसे देख सकते हैं? अगर ये एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप है तो इसको सर्टेन कंडीशंस जो भी हैं अबिलियन ग्रुप की वो सेटिस्फाई करनी चाहिए. ओके अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप नहीं है और हैंस इसकी सारी की सारी फिर रिमेनिंग प्रॉपर्टीज वो ट्रू नहीं होंगी. अब अगर आप इसको ये शो करें कि ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप है तो इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी तो मौजूद होनी चाहिए ना.
अगर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है तो फिर इसके अंदर ये ग्रुप नहीं बनेगा, तो अगर ये ग्रुप नहीं है तो फिर ये रिंग भी नहीं है. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट 0000 एस के अंदर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके बगैर ये ग्रुप नहीं बनेगा. राइट, सो अगर ये ग्रुप नहीं है तो फिर रिंग भी नहीं है. राइट, सो इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या है? सो इसको एलिमेंट को लेट्स से मैं ए लेता हूँ, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो. लेकिन जीरो डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है. जीरो डिटर्मिनेंट का कोई भी मैट्रिक्स इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी भी इस सेट में मौजूद नहीं है. एडिटिव आइडेंटिटी भी इस सेट में मौजूद नहीं है, तो फिर ये एडिटिव अबेलियन ग्रुप नहीं है, हैंस ये रिंग नहीं है. राइट, सो सो दिस इंप्लाइज एस इज नॉट एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप. And hence, S is not a subring. Okay? आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लोज होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इसमें मौजूद है, लेकिन ये एडिटिव अबेलियन ग्रुप नहीं है. एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये रिंग नहीं रहेगी. राइट, सो ओके. फाइनली इसमें सब रिंग्स के पोर्शन में आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं. एक्सरसाइज आपके लिए ये है कि आप ट्राई करें कुछ डिफरेंट मजीद रिंग्स आपने देखी थी. तो पहली एक्सरसाइज ये है कि फाइंड सम सब रिंग्स ऑफ जेड एन. ठीक है, फिर सेकंड में हमने ये देख आप ये ट्राई करें कि आपने ये रिंग देखी थी आर एक्स. ये कौन सी रिंग है? बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है, पॉलिनोमियल रिंग इन वेरिएबल एक्स, और इसकी डिग्री पॉलिनोमियल्स की, सारे पॉलिनोमियल्स इसमें मौजूद है, ऑल पॉसिबल पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल एक्स. ओके, राइट, सो आर एक्स की आप फाइंड करें. For Rx, find some subrings. Okay, right. So इसके लिए भी आप ये शो करें कि कुछ मजीद इसकी भी subrings find करें. Right. इसके अलावा आपने एक और आपके पास subring है, sorry ring है R real numbers की अंदर plus dot. Okay. Find some subrings. Okay, so ये आप please try कीजिएगा. इसकी आपको subrings ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने just subsets ही तो ढूंढने हैं. subsets आप ढूंढ लेंगे तो आपके पास आप फिर उनको चेक कर सकते हैं कि क्या वो subrings हैं या नहीं. conditions आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. for example आपको इसका एक subset मैं दे देता हूँ. इसका आप एक सबसेट कंसीडर करें एस, उसमें आपने इस तरह के पॉलिनोमियल्स लेने. सो आर के अंदर पॉलिनोमियल्स हैं लेट्स से ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस वन. राइट, सो ये चलते चलते जा रहे हैं. इसकी सारी की सारी इंटीजर पावर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स. सो एस के अंदर आप इस तरह के एलिमेंट्स ले लें, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन. सो प्लस आप लेट्स से एक और अगर लिखना चाहें ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, सच दैट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन, दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम रिंग आर. ओके, सो अब इनको कंपेयर करें. आप कंपेयर करें आर के एलिमेंट्स के साथ, तो आपको इसमें नजर आएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन. राइट, सो इन दोनों एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? इस केस में ए नॉट जीरो है. एस के अंदर जो मैं पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं उनकी कांस्टेंट टर्म जीरो है, पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म जीरो है. तो एस के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं
उन सब की कांस्टेंट टर्म जीरो है, राइट. और आर के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं उनके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो भी हो सकती है. तो अब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स जो मैं एस में रख रहा हूं वो डेफिनेटली आर में से आ रहे हैं. ओके, सो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स आर एक्स में मौजूद हैं, क्योंकि इन ए नॉट को आप जीरो कर सकते हैं, ये सेट आपको मिल जाएगा, और ए नॉट नॉन जीरो भी होगा. इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं आर एक्स के अंदर, लेकिन ये भी मौजूद है. तो एस इज अ सबसेट. अब आपने ये शो करना है कि क्या ये एक सब रिंग है या नहीं. इसके अलावा बहुत सारे सबसेट्स आप बना सकते हैं आर के, कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, इतना मुश्किल नहीं है. तो आपने उन सब को लेके चेक करना है फिर कि क्या ये सारे के सारे अब सब रिंग्स बनती हैं या नहीं. ओके, सो हमने सब रिंग्स का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं और कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए. अब हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को. हमारे पास रिंग थी, उसका सब रिंग हमने फाइंड की, ग्रुप था उसका सब ग्रुप फाइंड किया, और फिर एग्जाम्पल्स देखी बहुत सारी ग्रुप्स की और सब ग्रुप्स की. लेकिन उसके बाद जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ग्रुप्स के लिए हमने डिफाइन किया था वो ये था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ग्रुप्स हों तो उनका आपस में क्या रिलेशन होगा. ओके, आपके पास एक ग्रुप G1 है, एक ग्रुप G2 है, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है. फिर हमने कहा रिलेशन जो मैथमेट्रिक्स की टर्म में फंक्शंस होते हैं एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, तो फिर हमने उस फंक्शन के ऊपर एक कंडीशन एडिट लगाई. तो हमने उसको कहा कि ये होमोमॉर्फिज्म जो है वो हमें बताता है ग्रुप्स के दरमियान में रिलेशन. ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट को होमोमॉर्फिज्म बिटवीन ग्रुप्स हमने डिफाइन किया. होमोमॉर्फिज्म बिटवीन रिंग्स क्या होंगे, दो रिंग्स हैं, दो रिंग्स के दरमियान आपस में क्या रिलेशन होगा, वही क्वेश्चन है. अब रिंग के लिए पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास दो रिंग्स हों R1 और R2, उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है, अगर है तो वो कैसे डिफाइन करेंगे और वो क्या रिलेशन हो सकता है. ओके, अब इसकी हम बात करते हैं. रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है? जिस तरह मैंने ग्रुप की डिस्कशन को हम लेके चले थे, ग्रुप की डिस्कशन में हमने कहा दो सेट्स हैं, उनके ऊपर एक एक बाइनरी ऑपरेशन है, सेट्स का आपस में रिलेशन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशंस का आपस में रिलेशन होना चाहिए. ओके, सेम डिस्कशन यहाँ पे है कि सेट्स का रिंग्स हैं तो रिंग्स के अंदर सेट्स हैं, दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, सेट्स का आपस में रिलेशन होना चाहिए, एडिशन जो दोनों सेट्स के ऊपर डिफाइन हो रही है वो आपस में रिलेटेड होनी चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन दोनों सेट्स के ऊपर डिफाइन हो रही है वो भी आपस में रिलेटेड होनी चाहिए. ओके, सो ये हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म का, अगर हम एक्सटेंड करें कॉन्सेप्ट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से, तो कुछ इस तरह की सेंस बनती है. ओके, अब इसी डेफिनेशन को मैं फॉर्मल करता हूं, वही डेफिनेशन है, उसमें आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन का रिलेशन ऑलरेडी मौजूद है. अब नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन का रिलेशन भी अगर हम डाल दें तो हमारे पास होपफुली डेफिनेशन बन जाएगी रिंग होमोमॉर्फिज्म की. ओके, सो अब आपके पास लेट R1 लेट से प्लस डॉट एंड R2 प्लस डॉट. अब प्लस डॉट मैंने दोनों केसेस में लिख दिया है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हमारे यूजुअल ऑपरेशंस है जो हम लेते हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस का सेम होना जरूरी नहीं है. R2 के अंदर डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन अब हम दो बाइनरी ऑपरेशंस इन जनरल लिख रहे हैं आपको, मतलब एक डेफिनेशन हमने दे दी, फिर बाइनरी ऑपरेशंस कुछ भी आए वही यूज करेंगे और उसके लिए डेफिनेशन ये एक्सटेंड हो जाएगी. जैसे हमने ग्रुप के केस में किया, हर डेफिनेशन मल्टीप्लीकेशन के केस में देते थे, लेकिन जब भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन चेंज होता था हम डेफिनेशन में बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर देते थे, हमारे पास उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डेफिनेशन आ जाते थे. तो डेफिनेशन हम इन जनरल दे रहे हैं, दो रिंग्स हैं प्लस और डॉट, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस हैं, प्लस कुछ भी हो सकता है, डॉट कुछ भी हो सकता है, राइट. तो दोनों में बाइनरी ऑपरेशंस का सेम होना जरूरी नहीं है. ओके, सो दो डिफरेंट सेट्स हैं, दो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर, लेट्स से. ओके, सो R1 एंड R2 बी रिंग्स, ठीक है. इन दोनों के दरमियान होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है. सबसे पहले मुझे सेट्स के दरमियान में एक फंक्शन चाहिए, तो मैं कहूंगा अ मैप लेट्स से फाई फ्रॉम R1 टू R2,
ठीक है, मैप मैंने कह दिया मतलब फंक्शन, मैप इज अ फंक्शन, सो फंक्शन की कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है. तो मैप फाई फ्रॉम आर वन टू आर टू इज कॉल्ड अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इज कॉल्ड अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इफ व्हाट हैपेंस, अगर आपके पास ये हो. क्या हो? पहली कंडीशन ये है कि एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है उसको आपस में रिलेट करना है. आर वन का एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन और आर टू का एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन आपस में रिलेटेड हो, मतलब ये फाइव जो है ये प्रिजर्व करता है बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का, राइट. सो इन दोनों को आपस में रिलेट करता है, आप यू कह सकते हैं. सो फाइव ऑफ लेट्स से आर वन प्लस एस वन इज इक्वल टू फाइव ऑफ आर वन प्लस फाइव ऑफ एस वन फॉर ऑल आर वन एस वन एलिमेंट्स ऑफ आर वन. ओके, सो आर वन और एस वन अगर दो एलिमेंट्स हैं आर वन के लिए, तो उनके ऊपर ये जो कंडीशन आपके पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी यही कंडीशन थी, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हो तो, राइट. अब हमने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का के लिए हमने ये शो कर दिया, ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी कि ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के दोनों सेट्स के आपस में रिलेटेड हैं. अगर आर वन एक एलिमेंट है आर वन का, कैपिटल आर वन का, तो फाइ ऑफ आर वन आर टू का एलिमेंट होगा, क्योंकि फाइ एक फंक्शन है आर वन से आर टू के ऊपर. और इसी तरह फाइ ऑफ एस वन एक एलिमेंट होगा आर टू का, तो ये दोनों एलिमेंट जो है ये R2 के हैं. तो अब ये जो एडिशन यहां पे यूज हो रही है ये R2 की है, राइट. सो ये बाइनरी ऑपरेशन R1 का है, ये बाइनरी ऑपरेशन R2 का है. आई एम श्योर ये चीजें आप अंडरस्टैंड करते हैं, आपने ग्रुप थ्योरी के केस में इसकी काफी सारी डिटेल देखी थी. ओके, अब सेकेंड हमने कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करनी, सेट्स को रिलेट कर दिया, एक बाइनरी ऑपरेशन को रिलेट कर दिया. अब सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन को हम रिलेट करते हैं. अब यहां पे ये मैंने नीचे डैश लगा दिए प्लस के, तो ये इसको आप प्लस माइनस ना समझिएगा प्लीज, इसको मैं इसलिए अरेज कर देता हूं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो. ओके, राइट. अब सेकंड कंडीशन में हमने ये देखना है कि मल्टीप्लीकेशन आपस में रिलेटेड होनी चाहिए. दो एलिमेंट्स हैं आर वन और एस वन आर वन के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं और उनके ऊपर फाइव अप्लाई करूं, या पहले फाइ अप्लाई कर दूं और फिर मल्टीप्लाई करूं, दोनों बातें सेम है. अब यहां पे अगेन ये डॉट यहां पे जो यूज हो रहा है ये आर वन का बाइनरी ऑपरेशन है. फाइ ऑफ आर वन आर टू का एलिमेंट है, फाइ ऑफ एस वन आर टू का एलिमेंट है, दोनों आर टू के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट. सो ये दो कंडीशन हमने अप्लाई कर दी. ओके, सो हमारे पास रिंग, अगर ग्रुप की डेफिनेशन को एक्सटेंड करें होमोमॉर्फिज्म की, तो रिंग की होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो है यहां पे कंप्लीट हो जानी चाहिए. लेकिन एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि हमने ये देखा था ग्रुप्स के केस में कि होमोमॉर्फिज्म जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करता है, राइट. होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करता है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसा होना जो है जरूरी नहीं है. ओके, सो हमारे पास ये जरूरी नहीं है. अगर फाइ जो है, अगर वन आइडेंटिटी एलिमेंट है आर वन का, तो फाइ ऑफ वन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो आर टू का, राइट. सो इन जनरल ये जरूरी है. इसकी हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि इन जनरल ये ट्रू नहीं है. लेकिन होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो है उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अंडर. तो अगर ग्रुप के लिए होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करता है, तो रिंग्स के लिए भी करना चाहिए. तो इसलिए हम ये एडिट कंडीशन इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करे. तो इसको मेक श्योर करने के लिए हम ये एडिट कंडीशन खुद से दे रहे हैं कि फाइ ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, वन इन आर वन शुड बी वन इन एस वन, सॉरी आर टू.
वन इन आर टू. सो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आर वन की वो आइडेंटिटी एलिमेंट आर टू के ऊपर अप्लाई. अब फिर ये आप ये क्वेश्चन ना प्लीज सोचिएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग में कहां से आ गया. हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि सारी की सारी रिंग्स जो हैं वो विद यूनिटी हैं. ओके, सारी की सारी रिंग्स जो हैं वो विद यूनिटी हैं, उनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने अज्यूम किया मौजूद है. ओके, सो ये होमोमॉर्फिज्म की आपके पास डेफिनेशन. ओके, अनफॉर्चुनेटली हम टाइम हमारे पास काफी कम रह गया, तो मैं अब डेफिनेशन पे ही इसको स्टॉप करता हूँ इस डिस्कशन को, और नेक्स्ट टाइम एग्जांपल्स आपको देंगे फिर इंशाल्लाह. एक दो और कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं, एक दो और कॉन्सेप्ट रिंग्स के डिफाइन करके, जाहिर है आपका नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम अपनी डिस्कशन को क्लोज कर देंगे. आइडियली नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एक डिस्कशन लेक्चर होना चाहिए, लेकिन हमारी सेटिंग में ये पॉसिबल नहीं है. तो हम रिंग्स के एक दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बात करके हम अपनी जो डिस्कशन है उसको समेट देंगे. मे बी आप किसी लेटर स्टेज के ऊपर रिंग्स के ऊपर आपको एक कंप्लीट कोर्स दिया जाए, राइट? सो किसी लेट्स से लेटर डिग्री में या इसी डिग्री में, क्योंकि रिंग जो है रिंग्स का एक कंप्लीट कोर्स है, उसके अंदर बहुत डेप्थ है और बहुत डिटेल है. सिर्फ पॉलिनोमियल रिंग्स के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया जा सकता है. ओके, सो आपके पास होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पे ही हम स्टॉप करते हैं. मैं आपके लिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो आज के हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, और फिर इंशाल्लाह हम बाकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे. ओके, राइट. सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने किए थे उनको थोड़ा रिवाइज किया अगेन. रिंग की डेफिनेशन हमने दोबारा देखी, फिर हमने रिंग्स के लिए सब रिंग, जो आज का हमने नया कॉन्सेप्ट है, सब रिंग हमने डिफाइन की, और सब रिंग की डेफिनेशन लास्ट टाइम भी हमने की थी, उसी डेफिनेशन को हमने दोबारा देखा, और फिर हमने सब रिंग्स की बहुत सारी एग्जांपल्स देखी. ओके, सब रिंग्स की जेड के लिए हमने एक एग्जाम्पल देखी जो सब रिंग नहीं बनती, फिर हमने क्यू की एग्जाम्पल से स्टार्ट किया. क्यू की एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जेड जो है एक सब रिंग है क्यू की. ओके, फिर नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर आपके पास रिंग हो मैट्रिसेस की तो उसकी सब रिंग क्या होगी. एक एग्जांपल देखी जो सब रिंग थी, एक एग्जांपल ऐसी देखी जो सब रिंग नहीं थी. फिर हमने मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी जिसमें हमने मैंने आपसे कहा कि आप पॉलिनोमियल रिंग जो हमने डिफाइन की थी वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल रिंग के बहुत सारे और भी वर्जन हैं, लेकिन एक वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल रिंग जो है उसकी कुछ सब रिंग्स फाइंड करें, आर की सब रिंग्स फाइंड करें, ZN की कुछ सब रिंग्स फाइंड करें. ओके, फिर हमने नेक्स्ट जो एक डेफिनेशन दी उस डेफिनेशन में ये था कि अगर आपके पास दो डिफरेंट रिंग्स हैं, दो डिफरेंट रिंग्स हैं, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा. ओके, जैसे ग्रुप्स के केस में हमने बात की, तो उन दोनों के आपस में रिलेशन को, जैसे ग्रुप्स के केस में हमने कहा होमोमॉर्फिज्म, तो यहां भी हमने एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया, रिंग होमोमॉर्फिज्म. एक मैप है एक रिंग R1 से रिंग R2 पे, सिर्फ मैप नहीं है क्योंकि इसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन भी मौजूद हैं रिंग के ऊपर. ये सिर्फ जस्ट सेट होते तो एक मैप इनफ होता, फंक्शन इनफ होता, लेकिन अब इसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमने डिफाइन किया कि इन जो अगर प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशंस हैं दोनों सेट्स के ऊपर, तो phi of let's say R1 plus S1 should be equal to phi of R1 plus phi of S1. और इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के केस में भी बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं वो प्रिजर्व रहने चाहिए. ओके, राइट. फिर हमने एक और एडिट कंडीशन होमोमॉर्फिज्म के ऊपर ऐड की जो पहले हमारे पास मौजूद नहीं थी. उसकी मैंने आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन एग्जांपल जिस जो इसको बहुत क्लियर कर देगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एक्सप्लेनेशन ये है कि हमने एक रिजल्ट किया था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए, कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स के ऊपर मैप करता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम रिंग के केस में होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करें थर्ड कंडीशन के बगैर, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स के ऊपर मैप करे, राइट? तो इसकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो जो रिंग
का होमोमॉर्फिज्म है वो एक्सटेंशन होनी चाहिए ग्रुप के होमोमॉर्फिज्म की. ये भी तो एक होमोमॉर्फिज्म है, ये स्ट्रक्चर है. जैसे ग्रुप का होमोमॉर्फिज्म है वैसे रिंग का होमोमॉर्फिज्म है, जस्ट एक एडिट कंडीशन है. तो होमोमॉर्फिज्म किसी भी स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन करें उसको आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ही लेके जाना चाहिए. तो इस कंडीशन को मेक श्योर करने के लिए हमने फिर थर्ड कंडीशन अप्लाई की कि अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी रिंग वन में होगी तो उसको फाइ जो है वो रिंग टू की आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप करेगा. ये हमने एडिड एक्स्ट्रा कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई किया. अगर ऐसा नहीं करता तो हम उसको होमोमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे. ओके सो ये आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जो इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हम रिंग के दो तीन और कॉन्सेप्ट्स की बात करके फिर इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन को समेट देंगे. और फिर इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स जितना हमने इसमें करना था वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन अगेन, एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.